हेलो गाइस, मेरा नाम ईशान खान। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे है एक ये एक प्रोजेक्ट और ये इसका नाम है डस्टबिन या स्मार्ट डस्टबिन, जो भी कह लीजिए। देखिए यहाँ पे आगे हमने एक ये डिस्प्ले लगाया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें आगे लिखा हुआ आएगा जैसे कि स्मार्ट डस्टबिन गार्बेज थ्रो इन इट, या इस तरीके से लिखा हुआ आएगा इसमें। और यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे एक सर्वो मोटर लगा रखी है, यहाँ पे एक ये मॉड्यूल लगा रखा हमने, पीछे इसका ये सर्किट है और ये कुछ इस तरीके से पावर बैंक दिख रहा है। ये पूरा आपका मोबाइल से कंट्रोल होता है, या आपके मोबाइल में ही ये बता देगा क्या ये कितना भरा हुआ है या कितना खाली है या किस तरीके से इसमें कितना भी कूड़ा है या जो भी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, देखिए किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले हम इसमें पावर देंगे। तो देखिए गाइस, ये रहा इसका ये केबल और ये रहा हमारा पावर बैंक। इसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बना रखी है, तो इसमें फटाक से लगाते हैं। और देखिए ये पहले ही बता दिया, देख यहाँ पे डिस्प्ले में लाइट जल चुकी है और आप देख रहे होंगे, देखिए डिस्प्ले में कुछ लिखा हुआ आ रहा है, आप यहाँ से पढ़ लीजिए। अगर आपको फोकस करके दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा तो मैं आपको बाद में स्क्रीनशॉट में या कुछ इस तरीके से दिखा दूंगा कि किस तरीके से, क्योंकि ये कैमरा जो है उतना फोकस नहीं कर पा रहा। तो फटाफट से वीडियो को आगे देखते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। तो ये रहा हमारा स्मार्टफोन और अब देखते हैं ये इससे कैसे कनेक्ट होगा। तो देखिए गाइस, ये हमारा स्मार्टफोन ओपन हो चुका है, ये हमने एक ब्लिंक ऐप को खोल लिया है और ये हमारे सर्वर से कनेक्ट हो चुका है। देखिए जैसे हम इसको इधर करेंगे तो देखिए ये इस तरीके से ओपन हो जा रहा है और इस तरीके से क्लोज़, देखिए डस्टबिन क्लोज़ होगा और ये यहाँ से ओपन और ये यहाँ से क्लोज़। और यहाँ पे देखिए ये डस्टबिन का लेवल बता रहा है, अभी हमारा डस्टबिन बिल्कुल खाली है क्योंकि ये 17 सेंटीमीटर का है और ये पूरा खाली है। तो फटाफट से इसे फिल करते हैं और देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने ये डस्टबिन को ओपन कर दिया और ये मेरे यहाँ पे बहुत सारे पेपर्स हैं, जैसा कि ये देख सकते हैं बहुत सारे पेपर्स हैं। इसको एक एक करके इसमें डालते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने डाला और ये 12 सेंटीमीटर दिखा रहा है, अब देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए गाइस, ये 12 सेंटीमीटर दिखा रहा है। एक और डालते हैं तो देखिए 10 सेंटीमीटर हो गया। एक और ये पेपर को डालते हैं तो इसको अंदर डाल देते हैं तो देखिए गाइस 6 सेंटीमीटर। और अगर हम इसे निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से तो देखिए गाइस, एरिया फिर से 11 सेंटीमीटर। एक और को निकाल लेते हैं अंदर से हाथ डाल के इसमें से, तो देखिए गाइस 15 सेंटीमीटर। तो ये इस तरीके से वर्क करता है एकदम स्मार्टली, एकदम मस्त तरीके से वर्क करता है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। तो चलिए भी सीख लेते हैं कैसे हम बना सकते हैं इस टाइप के डस्टबिन को। तो गाइस देखिए, ये मैंने एक बाल्टी ले ली है, ये छोटी सी बाल्टी है, 20-30 रुपये में आपको मिल जाएगी। तो गाइस देखिए, ये साइज़ इसका 17 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर के आसपास है। तो देखिए गाइस, ये कुछ इस तरीके का दिख रही है, आप इससे बड़ी ले सकते हैं। तो उसके बाद देखिए, ये मैंने ले लिया कार्डबोर्ड, तो ये कार्डबोर्ड का पीस है, इसे मैंने सर्कल में काट लिया। देखिए पीछे लिखा है कैंपस, ये जूते का डब्बे का ये गत्ता है और ये कुछ इस तरीके से मुड़ जाता है। देखिए गाइस, इस तरीके से ये मुड़ जाता है, इसी चीज़ का हम फ़ायदा उठाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर रख के इस तरीके से चिपका देंगे इसे। तो फटाफट से इस पर चिपका देते हैं। तो देखिए गाइस, ये यहाँ से ओपन और क्लोज़ हो जाएगा। और देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने इसे चिपका दिया ग्लू गन की हेल्प से, आप फेविक्विक का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए गाइस, एकदम अच्छे से चिपका दिया, निकलेगा नहीं और ये कुछ इस तरीके से खुलेगा और इसमें आप सामान रख सकते हैं, जैसे कि ये गाड़ी में इसे डाल के दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके से चली जाएगी और ये बंद हो जाएगा, उसके बाद आप इसे निकाल सकते हैं ऐसे करके। तो इस गाड़ी को पहले साइड हटाते हैं और उसके बाद देखिए, ये हमने ले लिया एक सर्वो मोटर। तो ये सर्वो को क्या करेंगे, हम इसके ऊपर यहाँ पे चिपकाएंगे। तो इसको चिपकाने के लिए मैं ये धागे का इस्तेमाल करूँगा। तो ये थ्रेड है, इसमें हम इसे फटाफट से होल्ड करके इसमें अच्छे से चिपका देंगे। तो देखिए गाइस, ये मैंने लगा दिया है और ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने ग्लू गन से अच्छे से चिपका दिया, ये यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्लू गन से चिपका दिया। अगर हम इसे ऊपर को उठाएंगे, देखिए ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। देखिए जैसे मैं इसे ऊपर को उठा रहा हूँ तो ये देखिए, ये खुल गया, और अगर नीचे को करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो अब यहाँ पर सामान रख के आप नीचे को करके इसे बंद कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए गाइस, ये है माइक्रो कंट्रोलर, मतलब नोड MCU, इसे ESP8266 भी कहते हैं। तो इसका यूज़ करेंगे हम, और इसे वाईफाई, मतलब वाईफाई सिग्नल्स में डालने के लिए या वाईफाई सिग्नल प्रोवाइड करवाने के लिए इसका यूज़ करेंगे। तो इसमें देखिए बहुत सारी ये पिन्स हैं, हम इन्हीं पिन का यूज़ करेंगे। सर्किट डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद चाहिए ये हमें अल्ट्रासोनिक सेंसर, क्योंकि बगैर अल्ट्रासोनिक सेंसर के हम इसके मेज़र नहीं कर सकते। जैसा कि आपने वीडियो को शुरुआत में देखा होगा कि हमने इसकी डिस्टेंस मेज़र करी है। उसके बाद चाहिए हमें IR सेंसर। तो IR सेंसर हमें क्यों लगाना है, क्योंकि इसके आगे आप हाथ लाएँ तो जब भी ये खुल जाए, आप अपने मोबाइल से भी इसे खोल सकते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको दिखाया था। तो दोनों तरीक़ों से ये वर्क करता है। तो उसके बाद देखिए, ये LCD है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसलिए यूज़ कराया इसे दिखाने के लिए कि ये डस्टबिन है, ऐसा आप शो करवा सकते हैं आगे यहाँ पर डिस्प्ले लगा के। देखिए ये यहाँ पर मैं यहाँ पर डिस्प्ले लगा लूँगा, वैसे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लगा सकते हैं या इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो फटाफट से सारे कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ लेते हैं और उसके बाद इसमें इसे अटैच कर देते हैं। तो फटाफट से सारे कनेक्शंस कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले हमें IR सेंसर लगाना पड़ेगा।
तो IR सेंसर लगाने के लिए यहाँ पे मैं दो होल करूँगा सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से। देखिए गाइस, यहाँ पे पहले मैं मार्किंग कर लेता हूँ और दो यहाँ पे होल कर देंगे, क्योंकि IR सेंसर में दो LEDs हैं, LED के जैसे दिखते हैं पर वो एक टाइप से सेंसर्स ही हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अब हमें इसे लगा देना है, तो इसको मैं अंदर से इस तरीके से डालूंगा और इसकी ये जो LED दिख रही है आपको, इसमें से हम निकाल लेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से और इसे अंदर चिपका देंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए गाइस ये यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया है और ये अंदर से बिल्कुल ही खाली है। और इसका वायर जो है इसे हम अंदर से हिला के यहाँ से निकाल लेंगे होल करके, तो इसे भी निकाल लेते हैं। तो देखिए गाइस, ये वाला मैंने वायर निकाल लिया है, देखिए, और सर्वो के वायर और ये हमारा IR सेंसर्स के वायर यहाँ पे हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये मैंने जो हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर है इसके साथ अटैच कर लिया है। अल्ट्रासोनिक सेंसर को हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, देखिए गाइस, क्योंकि ये एकदम सीधा सीधा डिस्टेंस मेज़र करने के लिए हम इसके यहाँ पे होल करेंगे, एकदम दो आँखों के जैसे होल करेंगे। तो फटाफट से होल कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए पेन से मार्क कर देता हूँ हमें कहाँ कहाँ होल करने हैं। देखिए इतने बड़े साइज़ के होल करने हैं ताकि अच्छे से फिट हो जाए। देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से फिट कर दिया, देखिए एकदम आसानी से लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमारा वर्क कर रहा है। देखिए ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा और इस तरीके से क्लोज हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए अब हमें माइक्रो कंट्रोलर को यहाँ पे लगाना है और पूरी फिट वायरिंग करके इसे अटैच कर देना है। तो देखिए गाइस, मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे चिपका कर सारे वायरिंग इसमें कर देते हैं। तो देखिए गाइस, कनेक्शन हो चुके हैं, मैंने नीचे एक डाटा केबल निकाल दिया ताकि इसमें पावर देंगे हम, इसमें सिर्फ 5 वोल्ट इनपुट देंगे। और ये देखिए आप उसके लिए चार्जर का यूज़ कर सकते हैं, मैं पावर बैंक का यूज़ करूँगा। और यहाँ पे देखिए ये सर्वो है, इस तरीके से ओपन क्लोज हो गई, ऊपर अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है, नीचे IR सेंसर लगा हुआ है इसके अंदर। तो इसे फटाफट से पावर देंगे, तो उससे पहले क्या हमें डिस्प्ले भी लगाना पड़ेगा। मैंने आपको कहा था आप डिस्प्ले लगा भी सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, ये रहा हमारा डिस्प्ले, इसको हम कहाँ नीचे लगाएंगे, एकदम आगे, ताकि लोगों को पता चले कि ये डस्टबिन है, स्मार्ट डस्टबिन है, इसमें